दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मैसी 1035 DI दोस्त का। इसमें और भी मॉडल आते हैं, मैसी DI टनर, मैसी DI सिंपल। अभी ये जो मॉडल है ये मैसी 1035 DI दोस्त का है। तो चलिए शुरू करते हैं टायरों से। तो पीछे के टायर इसके 13/6/28 के हैं अपोलो कृषक के, सामने के टायर इसके 6/16 के हैं अपोलो कृषक के। इधर हम बात कर लें अगर पेंट की, तो आपको रेड पेंट से मिल जाएगा, जैसा कि क्लासिक मैसी में आपको देखने को मिलता है हमेशा। इधर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपल टैग नाइल है दोस्त की, जो कि ट्रैक्टर के लुक को और थोड़ा बढ़ाती है। और यहाँ पर अगर देखने को मिले तो 1035 DI मैसी लिखा हुआ है, और यहाँ पर पूरा मैसी फर्ग्यूसन MF। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पर सावधानी के लिए, बैटरी वगैरह निकालने के लिए। और अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको टायर के ऊपर मडगार्ड का रेड कलर मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर एक तरफ पकड़ने के लिए आपको हैंडल भी मिल जाएंगे, पुश हैंडल्स, और दूसरी तरफ आप चाहें तो डीलर से कह के लगवा सकते हैं। पीछे की बात करें तो पीछे आपको पूरा ब्लैक कलर मिल जाता है, जो मडगार्ड है और बाकी बॉडी से अलग पूरा कलर जो है ब्लैक है। और इधर हम बात कर लें तो चलिए यहाँ पर आपको जो हिचके पॉइंट है, यहाँ पर हिचके आपको 8 पॉइंट मिल जाते हैं हिचके। और ये जो लिफ्टिंग है यहाँ पर देखिए, पूरी पेपर से, ये प्लास्टिक से कवर है अभी, तो काफ़ी अच्छी है। मतलब 35 HP के हिसाब से ट्रैक्टर की काफ़ी बढ़िया ये लिफ्ट, जो इसकी बनावट है, जो मजबूती है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छी है। और पीछे का जो एक्सल आप देख पा रहे हैं काफ़ी मजबूत है, दोनों रियर टायरों को आपस में जोड़ने वाले एक्सल काफ़ी मजबूत है इस ट्रैक्टर के। और इधर हम बात करें तो आपको पीटीओ के लिए जो ये बॉक्स है, इसको ओपन करने के लिए नट खोलने पड़ेंगे, उसके बाद ये बॉक्स ओपन होगा। पूरा मेटेलिक बॉक्स इस पर आपको मिलेगा। और पीटीओ इसको 540 का है, इसमें ड्यूअल पीटीओ का ऑप्शन नहीं है, रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन नहीं है, मल्टी स्पीड पीटीओ का ऑप्शन नहीं है। और 540 इसकी 1500 RPM पर पूरे होंगे, मतलब जो इसकी रेटेड RPM है पीटीओ की वो है 1500। फिर इधर हम बात कर ले पीछे, तो आपको एक ऑक्सिलरी वॉल मिलेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो ट्रॉली उठाने के लिए। उसी के नीचे आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा 12 वोल्ट का, लाइट वाइट जलानी हो। यहाँ पर आपको एक टूल बॉक्स मिल जाता है, और ये प्लास्टिक का है, मेटल का नहीं है। और इधर से आप देख पा रहे हो पीछे बॉटल होल्डर है, यहाँ पर 2 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी। और इसमें एडजस्टेबल सीट मिलेगी आपको, आजकल सभी ट्रैक्टरों में एडजस्टेबल और लग्जरी सीट देने लगे। फिर पीछे की लाइट की दिखाऊं तो पीछे की लाइट कुछ इस तरह से दिखती है, बैक लाइट जो है। और ये इंडिकेशन केटर और ब्रेक इंडिकेशन। और यहाँ पर वायरिंग देखिए, काफ़ी सेफ वायरिंग है, ज़्यादा वायरिंग इसका चक्कर नहीं है। फ्यूज बॉक्स दिए गए हैं यहाँ पर, ख़राब हो तो तुरंत फ्यूज बॉक्स निकाल के आप ठीक कर सकते हैं। जितनी वायर ख़राब हो उतनी वायर आपकी ख़राब होगी, पूरी वायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इधर से आप वायरिंग देख पा रहे हो पूरा। चलिए सामने के हिस्से की बात करते हैं। सामने अगर मैं बात करूँ तो आपको मैसी का लोगो देखने को मिलेगा हेडलाइट के बीच में, सामने क्लासिक सी इसकी हेडलाइट्स है सामने की। और ये जो बम्पर देख पा रहे हैं, इसका वेट 65 किलो का है। और यहाँ पर आपको टोचन लॉक भी दिया जाएगा, इसमें एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल का ऑप्शन नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें HD फ्रंट एक्सल जरूर दिया है टॉप मॉडल में, DI के दोस्त टॉप मॉडल में। और यहाँ पर देख पा रहे हो क्रोम फिनिश है, क्रोम फिनिश के अंदर एक ब्लैक कलर की जाली रेडिएटर को ढकने के लिए। इधर हम देखें तो आपको थोड़ा हल्का सा यहाँ पर भूरा कलर दिखाई देगा, यहाँ पर ब्राउन कलर। ये जो एक्सल है, एक्सल का कलर ब्राउन है, और पूरे ट्रैक्टर के इंजन का यहाँ पर हल्का हल्का ब्लैक होकर पूरा ब्राउन कलर है, या फिर हल्का हल्का ब्लैक भी कह सकते हैं, ब्लैक फिर होकर पूरा ब्राउन हो चुका है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हल्के देखें फिर ब्लैक है, फिर यहाँ पर थोड़ा ब्राउन। और फिर ये एक वाटर कूल्ड इंजन है, तो यहाँ पर ये कूलन वाटर का स्पेस बॉक्स है। ये अल्टरनेटर है यहाँ पर, सेफ अल्टरनेटर, सेफ गार्ड भी दे रखा है यहाँ पर धूल मिट्टी और कचरे से बचने के लिए। बड़ा ही सिंपल सा लुक है, लेकिन बहुत अच्छा लुक है इस ट्रैक्टर का, 35 HP का ये ट्रैक्टर है। चलिए बोनट खोल के इंजन की बात कर लेते हैं। तो बोनट खोलने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये ऑयल फिल्टर को अलग करना पड़ेगा, इसमें ड्राई फिल्टर का ऑप्शन नहीं है। मैसी 1035 में ऑप्शन है, लेकिन जो मॉडल अभी आप देख पा रहे हैं 1035 DI 2 35 HP का, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो
चलिए इसको रिमूव करके हम बोनेट ओपन करते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये डीजल टैंक है। कई ट्रैक्टरों के यहाँ पर दिया होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। 47 लीटर की इसकी कैपेसिटी है और ये चाबी से लॉक भी होता है। यहाँ पर देखिए पूरा मेटेलिक है, ये इसका ढक्कन ही पूरा मेटेलिक है, इसमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं है, देख पा रहे हो आप। और ये आपसे इजीली बंद हो जाता है, यहाँ से खोलना है इसको और यहाँ से इसको खोल सकते हो आप चाबी से, और बंद करके ऊपर से सेव करना। मतलब कई ट्रैक्टरों में बाहर ढक्कन नहीं होता तो उसके लुक को थोड़ा बिगाड़ देता है, लेकिन इसमें जो ये ढक्कन अंदर दे रखा है और ऊपर से कवर दे रखा है तो पूरा ट्रैक्टर सेम दिखता है। कर ले हम इंजन के सेगमेंट की, बोनट हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है कितना अच्छे से मैनेज किया है इस ट्रैक्टर में। और सबसे पहले हम इंजन के बारे में बताने से पहले, ये जो फ़ैन है आप देख पा रहे हो इंजन को ठंडा करने के लिए, जो फ़ैन है ये प्लास्टिक के है और इसमें बड़े फ़ैन दिए 35 HP के हिसाब से ताकि इंजन गर्म ना हो। बड़ा रेडिएटर दिया है, वाटर कूल इंजन है इसमें। और यहाँ पर जो वायरिंग है आप देख पा रहे हो अंदर से पूरी, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे पूरी वायरिंग ही। और ये जो अंदर है पूरा रेड कलर का बोनट मिलेगा आपको। और ये डीजल टैंक है, यहाँ से ओपन हो जाता है। और ये यहाँ पर ये वायरिंग है डीजल मीटर की, जो यहाँ पर कितना डीजल है ये चेक करने के लिए वायरिंग यहीं से गई है डैशबोर्ड में, MID में। तो इधर हम बात कर लेते हैं, तो अब इसके इंजन की बात करूँ तो आपको इसमें 3 सिलेंडर का DI इंजन मिलेगा, मतलब डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम 3 सिलेंडर का। 35 HP का ये ट्रैक्टर है और जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी है वो है 2290, मतलब 2290 CC का ये इंजन है। और इसमें सिम्पसन कंपनी का इंजन लगा हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैसी में सिम्पसन कंपनी का ही इंजन लगता है, सभी मैसी ट्रैक्टरों में सिम्पसन कंपनी का इंजन ही आता है। तो इसमें जो इंजन का मॉडल है वो है S324, मतलब S324 मॉडल लगा हुआ है सिम्पसन का। और इसमें जो पंप है वो है आपको इनलाइन पंप मिलेगा बॉश कंपनी का, रोटरी पंप आपको इसमें नहीं मिलेगा। और 3 सिलेंडर डीजल इंजन है ये 35 HP का और 2290 इसकी क्यूबिक कैपेसिटी है। जैसा कि आप पूरा लुक देख पा रहे हो, वाटर सेपरेटर यहाँ पर और अच्छे तरीके से दिया गया है, काफ़ी बड़ा वाटर सेपरेटर दिया है और काफ़ी सेफ वाटर सेपरेटर इसमें दिया गया है। और बैटरी भी आपको यहीं पर मिलेगी, अभी इसमें एमको की बैटरी लगी हुई है, हुड के अंदर ही बैटरी, अभी सभी कंपनियां हुड के अंदर ही देने लगे हैं। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर हुड के सामने ही बैटरी दे दी तो थोड़ा खोलने में दिक्कत होगी। खैर ये थोड़ा बहुत मैनेज तो करना पड़ेगा अगर आप ये मैसी ले रहे हैं तो। बाकी जो ये जो वायरिंग है बहुत सेफ वायरिंग दी है, जैसा आप देख पा रहे हो बैटरी की, कई सालों तक रख रखाव और यहाँ पर ग्रीसिंग करते रहेंगे तो मुझे लगता है कई सालों तक, 10-15 साल तक इस पर कोई खराबी नहीं होने वाली। और इधर मैं बात कर लूँ तो आपको 4-स्टेज एयर बाथ क्लीनर मिलेगा, ऑयल वाला एयर फिल्टर मिल जाए, एयर फिल्टर जो मिलेगा ऑयल वाला मिलेगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हो बोनट खोलने के बाद ट्रैक्टर का लुक मैं दूर से दिखा देता हूँ आपको, तो चलिए इसके प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं और MID की बात करते हैं। ऊपर चढ़कर प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो उसमें आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है मैसी के द्वारा, एक 1035 DI दोस्त में 35 HP के ट्रैक्टर में। और जो ये प्लेटफॉर्म है काफ़ी लार्ज है, मतलब अच्छा काफ़ी खुल के आप बैठ सकते हैं, आपकी हाइट है अगर 6 फीट 6 फीट है तब भी आप इसमें आराम से बैठ सकते हो और एडजस्टेबल सीट है, आगे पीछे आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर हम बात कर ले क्लच की तो आपको डुअल क्लच इसमें मिल जाती है 35 HP के ट्रैक्टर में। और यहाँ पर बात कर लूँ तो ये PTO गियर है इस तरफ, और ये है आपकी हैंड ब्रेक यहाँ पर ना देकर यहाँ पर दे दी गई है, जब मैं ऊपर आऊँगा तो आपको और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँगा। और इसमें सेंटर शिफ्ट गियर मिलेंगे आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हो लो और हाई, और ये मेन रियर गियर, और ये आपको स्क्रू वॉल्व भी मिल जाएगा, मतलब लिफ्टिंग कंट्रोल वॉल्व। अगर इसको बंद कर दोगे तो जो हाइड्रोलिक के पास जो प्रेशर जा रहा है वो बंद हो जाएगा, और इसको ओपन कर दोगे तो आप हाइड्रोलिक से ट्रॉली को उठा सकते हो। इसमें स्क्रू लॉक भी दिया गया है, इसको स्क्रू भी कहते हैं, स्क्रू भी कहते हैं, या हाइड्रोलिक लॉक भी कह सकते हैं इसको हम। तो ट्रैक्टर यहाँ से प्लेटफॉर्म को जिस तरह का दिखता है आप देख पा रहे हो। ये इधर कुछ लाइटिंग कंट्रोल्स है, अभी ऊपर चढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ। ये फुल स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसको खींचेंगे तो ट्रैक्टर बंद हो जाएगा, जैसे कि आप मेरी उंगली के पास देख पा रहे हो। चलिए ऊपर चढ़ के देखते हैं। ऊपर आ चुका हूँ, स्टीयरिंग थोड़ा इस टाइप का दिखता है, बीच में मैसी का लोगो है, ये इंडिकेटर्स के बटन है, ये लाइटिंग कंट्रोल है यहाँ पर, इसकी MID थोड़ी इस तरह की दिखती है जैसे आप देख पा रहे हो। मैकेनिकल स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग का इसमें ऑप्शन नहीं है। ये हॉर्न है यहाँ पर देखिए,
और ये फोर प्ले बटन है, चारों इंडिकेटर एक साथ जल जाएंगे। और ये है इसकी चाबी, और इस तरह का आपको छल्ला भी मिलेगा, मतलब एक रिंग मिलेगी चाबी के साथ। और बड़ी सी, मतलब ये कह सकते हैं, ये मुझे लगता है स्टील की चाबी होगी, शायद स्टील जैसा कलर है इसका। और ये है की स्लॉटर, यहाँ पर आप की डाल सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, ये न्यूटन में तो नहीं है कहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये इसकी ब्रेक, और ब्रेक के बारे में बताऊँ तो आपको ड्राई ब्रेक मिलेगी इसमें CDBS टेक्नोलॉजी के साथ। CDBS टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कॉम्बी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, और ये नई टेक्नोलॉजी है मैसी की। और ड्राई डिस्क आपको इसमें मिल जाएगी, मतलब जो ब्रेक है वो ड्राई भी मिलेगी और डिस्क के साथ आपको मिलेगी इसमें। और ये है फुट एक्सीलेटर, और यहाँ पर आपको पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का दिखता है इसका पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल। और ये है आपका इधर हैंड ब्रेक, मतलब यहाँ से आप पैरों से ब्रेक दबाइए और यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहीं से पुश हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है हैंड ब्रेक इसका, एकदम कार के जैसे साइड में हैंड ब्रेक दे रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म, मेरी हाइट 5 फीट 11.5 इंच है, उस हिसाब से मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। अभी 6 फीट का बंदा चला लेगा, लेकिन 6 फीट से ज़्यादा वाले बंदों को थोड़ी परेशानी होगी प्लेटफॉर्म में बैठने में। इधर क्लच की बात करें तो डुअल क्लच आपको मिल जाएगी, लेकिन डुअल PTO नहीं मिल रहा है इसमें, 35 HP का है ये ट्रैक्टर। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं ट्रैक्टर को। स्टार्ट कर लिया ट्रैक्टर को, साउंड आप सुन पा रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, शोर बहुत है यहाँ पर, मैं मेन रोड में शूट कर रहा हूँ। साइलेंसर आप देख पा रहे हैं, नीचे से थोड़ा मोटा है, ऊपर से थोड़ा स्लिम है, और ये काफ़ी लंबा चौड़ा साइलेंसर इसमें दे रखा है, जो कि ट्रैक्टर के लुक और बढ़ा देता है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब इसके साउंड के बारे में। साउंड सुनिए, और साथ ही साथ ये MID देखिए। RPM पर आपके PTO के 540 चक्कर पूरे हो जाते हैं, और 3000 इस ट्रैक्टर की टोटल RPM है। और अभी ये सिर्फ 30 मिनट चला हुआ है, मतलब आधे घंटे, 0.5 है इसकी रीडिंग। ये फ्यूल वगैरह की मीटर से आप पूरा देख पा रहे हो, ये बैटरी का मीटर भी है इसमें, बैटरी अभी पूरी है, एकदम सेफ जोन से भी ऊपर है बैटरी। और ये लो हाई ट्रैक्टर, गर्म तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोल्ड होट है, यहाँ पर ये ऑयल प्रेशर है, तो ये ऑयल प्रेशर यहाँ पर आ गया। और ये है आपका फ्यूल मीटर, फ्यूल चेक करने के लिए, अभी तो इसमें एजेंसी में इसलिए डीजल कम ही है। एक बार और साउंड सुनिए, अब मैं आपको 1500 RPM पे इसका साउंड सुनाता हूँ। चलिए ट्रैक्टर को बंद कर लेते हैं यहाँ से। इजीली ट्रैक्टर एक ही बार में स्टार्ट हो गया और एक ही बार में बंद हो गया बहुत आसानी से। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारे ऊपर की MID की, और ट्रैक्टर के इंजन के बारे में भी हमने बात कर ली। कंपनी क्या कहती है, मतलब इसके बारे में, कि जो मैसी कंपनी का क्या कहना नए ट्रैक्टर के बारे में, तो इनका कहना ये है कि इसमें क्या नया है, नया सिम्पसन का सुपर टॉर्क इंजन है, पावर क्लच है इसमें, ट्रॉली रेडी हाउसिंग है इसमें, लंबा व्हील बेस मिल जाएगा, CDBS ब्रेक मिल जाएगा, कॉम्बी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, और यहाँ पर 65 kg का आपको बड़ा बम्पर मिल जाएगा, सुविधाजनक प्लेटफॉर्म है, ये इसके ब्रोशर में लिखा है, और 13/6 के पिछला बड़ा टायर है, 35 HP 12/4 के टायर आते हैं, अब 13/6 के, इन्होंने कहा 13/6 के बड़े टायर हैं। पुश टाइप पैडल है इसमें, पुश टाइप पैडल मतलब ब्रेक के जो पैडल है वो पुश टाइप के है, अभी पुश टाइप क्या होता है इसकी नॉलेज तो मुझे नहीं है। तो चलिए क्या क्या चीज़ें मैं अभी बताना मिस कर रहा हूँ आपको ये बताता हूँ मैं अभी। तो ट्रैक्टर की जो वारंटी है वो है 2100 घंटे की और 2 साल की, अगर 2 साल 2100 घंटे में पुश हो जाता है तो ट्रैक्टर की जो भी पार्ट्स आपके ख़राब हो रहे हैं उसकी 100% रिप्लेसमेंट आपको मिलेगी मैसी की तरफ से। और इसमें जो फिल्टर है वो है ऑयल फिल्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया है। स्लाइडिंग मैश आपको इसमें गियर बॉक्स मिल जाएगा, स्लाइडिंग मैश, और जो इसका ग्राउंड क्लीयरेंस है वो थोड़ा कम है, मुझे बाकी ऐसा लग रहा है कि मेड़े वेड़े में चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होगी। 345 mm का ही GC मिल जाएगा। खैर मैसी के ट्रैक्टरों में काफ़ी अच्छा GC भी आता है ग्राउंड क्लीयरेंस, लेकिन इस ट्रैक्टर में थोड़ा कम है 345 का, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसको, ज़्यादातर लोग तो इसको ट्रॉली में चलाने के लिए यूज़ करते हैं, और
हम बात कर लें इसका टर्निंग रेडियस के बारे में, तो टर्निंग रेडियस इसका मिल जाए, आप ब्रेक के साथ अगर इसको टर्न करना चाहोगे, गोल गोल घुमाना चाहोगे तो 2950 mm पे घूम जाएगा, और बिना ब्रेक के घुमाना चाहोगे वहीं पर तो आपको 3250 mm पे घूमेगा। तो वारंटी की बात हो गई हमारी। इसकी जो डीजल की खपत है, मतलब एक घंटे में कितना डीजल खाता है ये ट्रैक्टर, मैंने यहाँ पर पूछा कई लोगों से, तो उनका ये कहना 1.25 liter डीजल खाता है ये नॉर्मल, औसत जो इसकी चेक की गई है 2 liter के आसपास की है, 1.25 liter में, और 5 feet के रोटावेटर में 2 से 2.25 liter डीजल खाएगा। 5 feet का रोटावेटर आप इसमें आसानी से यूज़ कर सकते हैं, चाहे कैसी भी मिट्टी हो, गीली मिट्टी ना हो, बस कीचड़ हो लेकिन गीली मिट्टी ना हो। अब बात कर ले दोस्तों इसके रेट के बारे में, प्राइस के बारे में, तो कितने रुपये इसका प्राइस है, तो इसका प्राइस जो है वो 1035 DI दोस्त मॉडल का जो प्राइस है वो है 5 lakh rupees से स्टार्टिंग है इसका प्राइस। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को भी लाइक कर दें, और साथ ही साथ अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या कमी नज़र आई और क्या अच्छा लगा, और आप और कौन से ट्रैक्टरों का रिव्यू चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।